नमस्कार दोस्तों, आज हमारे शो में आए हैं मोतीलाल विश्वकर्मा कवि जी। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक अच्छे गायक के साथ साथ गीतकार भी हैं। आइए इनके लिए जोरदार तालियां। हाँ तो मोतीलाल विश्वकर्मा कवि जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कब से गा रहे हैं और कब से आप लिखना शुरू किए? बादल जी, हम तो करीब 10 साल 11 साल की हमारी उम्र थी। अच्छा। मैं दर्जा 5 में पढ़ रहा था, तभी से मैं गीत गा रहा हूँ। उस समय टूर्नामेंट चल रहे थे और लगातार हमारी स्टूडेंट लाइफ जो है संगीत में ही बीती है। तो जी, आपका वो सन क्या था जब आप स्टूडेंट थे? तो अब उस समय करीब 72-73 था। हाँ तो कवि जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कब से गा रहे हैं, आप किस सन से गाना शुरू किए हैं? हाँ देखिए, जब हम मंच जब उस समय गा रहे थे तो छोटे बच्चे थे। इसके बाद जब हमारी उम्र 16-17 साल की हुई, 18 साल की, तो हमने बिरहा गाना शुरू कर दिया, लोकगीत। और हमारे गुरु सिमुरत जी थे नेवादा के, जो बिरहा सम्राट कहे जाते थे। इसके बाद हमारा ये बिरहा जगत में कम से कम हम 30 साल गायकी किए। और गायकी हमारी झरिया, पटमोहना, कलकत्ता, गोरखपुर, ऐसे ऐसे जगहों पर हम गए थे। कई 1,000 हम लोग स्टेज शो किए थे। और हाँ, 1,000 स्टेज हम लोग शो थे, क्योंकि उस समय एक माहौल था गायकी का कि वास्तव में गायकी कैसे की जाती है। बिरहा जब हम लोग शुरू करते थे 8 बजे रात में, तो 8 बजे दिन में ही समाप्त होती थी। और पक्ष और विपक्ष मिलकर के कम से कम 15-16 बिरहा हम लोग गाते थे। उस समय कदर थी बिरहा की, लेकिन अभी समय क्या कदर है कि किसी गायक से अगर कह दिया जाएगा कि लगातार 3 बिरहा गा, 2 बिरहा गा दो, तो उसके पास कोई ताकत नहीं थी। लेकिन हमारे गुरु जी कहते थे कि जो चीज गाने में ताकत लगती है, वही ताकत घोड़ा दौड़ाने में लगती है, वही ताकत जो है दौड़ में लगती है। लेकिन वो चीजें अब नहीं मिल रही है। लेकिन अब जो लोग बिरहा हमारे भाई साहब गा रहे हैं, लोग कहना नहीं चाहिए, उनके पास भोजपुरी की, छोटी सी भोजपुरी के अलावा कोई उनके पास रास्ता नहीं। अगर एक गाना उनको बीरस से गवा दिया जाए तो दूसरा बीरस गाने में उनकी हिम्मत काम नहीं करेगी, सोचेंगे ये काम तो बिगड़ गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हम लोग छोटे पन से बिरहा गाना शुरू किए, तो जब हमारी गायकी चल रही थी, तो उस समय लोग मोतीलाल विश्वकर्मा के नाम से हम चर्चित थे। सदात वगैरह में बहुत आते थे, हमारा प्रोग्राम भी हुआ था, बहरियाबाद भी हमारा प्रोग्राम हुआ था, दुल्लापुर हमारा प्रोग्राम हुआ था। और हम जब लोग लगन करते थे तो एक लगन में हम लोग 2 जगह बिरहा गाते थे। रात में कहीं और थे, दिन में कहीं और थे, और रात में कहीं, उसमें जनवास बिरहा के होती थी। और उस समय हमारे विजयी भाई हैं, हमारे भी हमसे भी उम्र में छोटे हैं, एक नंदलाल और विजयी, इन लोगों का एक प्रश्न चल रहा था कि भाई 2 लड़के जो हैं जादू टाणा के, नंदलाल और विजयी, इस समय भाई बड़े अच्छे कलाकार निकल रहे, दोनों बड़े अच्छे एक साथ ही मिलकर गा रहे हैं। उस समय एक हवा थी, तो उस समय हम लोग बाहर निकल करके चल के गाना वाना बिरहा गाते थे। लेकिन बाद में हम अपने कार्यशैली से, गीत के माध्यम से, रीजन के रैली में, विद्यालय के रैलियों में प्रतिभाग किए, तमाम अवार्ड हम लोगों को मिला, तमाम शील्ड मिली, तमाम इनाम मिला, और हम लोग एक चर्चित हो गए। मोतीलाल विश्वकर्मा गाजीपुर रैली में जब कहीं रैली होती थी, क्यों मोतीलाल जो विश्वकर्मा भी गाता है लोकगीत, उसको ले। उस समय 21 जून सन जो रेल दुर्घटना हुई थी हमारी दुल्लापुर में, 21 जून 1969 में, उस समय हम लोग गाते थे। उस समय हमारी टीम गई थी, रैली थी मंगारी में, उस समय हम लोग गाते थे, हाय भरा एक गम का फसाना, दर्द सुनिए हमारे जुबानी, हाय रे हाय 21 तारीख वाली रह रही, इलाहाबाद से गोरखपुर जाती ट्रेन रही। ये दुर्घटना जब हुई थी उस समय ये बिरहा चलती, वो तो बिरहा हम लोग गाए थे। हमारे बचपन की अवस्था में जब हम प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल के जीवन व्यतीत कर रहे थे, बाद में जब बिरहा निकली तो भाई हम बहुत आगे निकले। फिर रेडियो स्टेशन से भी हम लोग कार्यक्रम लिए, रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन में भी हम लोग गए। उस समय हमारा जब हम गाते थे तो हमारा साथी था श्यामदेव प्रजापति, वो हमारे साथ रहता था और हमसे बिरहा जाकर को भी गाना गाता था। अच्छा अच्छा कवि जी, तो श्यामदेव प्रजापति जी भी आपसे गाना लेकर गा चुके हैं? बिल्कुल ये है, और हम हमारे यहाँ से लेकर के गाना था। आज हमारा भी सम्मान बहुत बड़े भैया के कदर से हमारा साथी श्यामदेव प्रजापति करता है, लगता है कि हमारा हमारे दिल का भाई है वो। और कहता है कि भैया उनके कवि भुरभारी जी हैं,
और हमारे यहाँ से गाना लेकर के लेके जाते थे, वो गुरुभारी कभी भी गाते थे। गुरुभारी भी हमको ही उस्ताद मानते हैं कि हमारे उस्ताद गुरुदेव आप हैं, सामदेव भी कहते हैं कि उस्ताद हम आप हैं। लेकिन सारी चीजें गाना बजाना करने के बाद जे हमने विद्यालय खोल दिया। जब विद्यालय खोला तो हमारा सारा चीज सन 85 में हमारी प्राइमरी स्कूल की मान्यता लगी और जूनियर 94 में मान्यता लगी, हाई स्कूल की 2001 में मान्यता लगी और इंटर की 2016 में मान्यता लगी। माने हमारा क्लोज हो गया संबंध, विद्यालय छोड़ करके जाने का मन नहीं करना था, इसीलिए थोड़ा सा गायकी हमारी कम हो गई। लेकिन बिरहा लिखने की शैली, गाना लिखने की शैली जब हम जूनियर हाई स्कूल पास किए तब से लिख रहे हैं, तभी समय में मैं गाना लिख रहा हूँ। तो आपके विद्यालय का नाम क्या है? हमारे विद्यालय का नाम है, चार संस्थाएं चलती है हमारे विद्यालय में, सरस्वती शिशु मंदिर और जूनियर हाई स्कूल बालिका विद्यालय और बाबा मखदूम शाह आदर्श इंटर कॉलेज मखदूमपुर। जब उस समय विद्यालय हम लोग खोले थे कि किसी का कहीं दौर नहीं चल रहा था, हम लोग विद्यालय खोले उस समय हम लोग एमए किए, तो हम लोग विद्यालय खोले तो उस समय लगा कि विद्यालय खोले तो हम लोग कहीं कहीं नौकरी मिल जाएगी। भाई नौकरी के तहत हम लोग विद्यालय खोले। लेकिन ऐसा समाज सोसाइटी बदल गई, ऐसा शासन आ गया कि घर घर विद्यालय हो गया, हम लोग बहुत पीछे हो गए, घूस का जमाना हो गया। माने आजकल के विद्यालय है कि सारे अभिभावकों को सता करके पैसा ले रहे हैं। आज भी मैंने हमें लोग मोतीलाल विश्वकर्मा कह करके मैनेजर कहते हैं, मैनेजर ज्यादा ही हमारे ख्याति जो है मैनेजर के लोग कहते हैं कि मैनेजर साहब। लेकिन आज भी अगर हमारे विद्यालय से कोई लड़की अगर रोकर नहीं जा सकती, अगर हमारे उसके पास पैसा नहीं है, तो हमारा ये चैलेंज है, 100% का चैलेंज है कि मैं लड़की को एक से लेकर इंटर में ना पढ़ा दूं तो मेरा नाम बदल। हाँ, तो दर्शकों बहुत ही अच्छी बात है कि मोतीलाल विश्वकर्मा जी जो कि बहुत ही अच्छे गायक और गीतकार हैं और ये अपने विद्यालय में गरीब छात्रों को फ्री में शिक्षा प्रदान करते हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है कि मोतीलाल विश्वकर्मा जी गरीब छात्रों को भी ध्यान देते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। और अब इसके बाद हमारे यहाँ 2 बजे के बाद संगीतालय चलता है, हमारे यहाँ संगीत भी आप सिखाते हैं? हाँ, संगीत भी सिखाते हैं। 2 बजे के बाद संगीतालय चलता है, तमाम लड़के दूर दूर से आते हैं, 20-22 10-12 लड़कियां हैं और 10-15 लड़के हैं। एक से लेकर इंटर तक मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, हिंदी का मैं छात्र रहा हूँ और हिंदी का भाई टीचर भी लोग हम लोग कहते हैं और मैनेजर साहब भी कहते हैं और संस्थापक भी कहते हैं। तो सारी चीजें सारी चीजें करने के बाद विद्यालय में आया और विद्यालय में जब ख्याति हमारी बनी तो गाना तो बहुत बचपन से लिख रहे थे और हम भोजपुरी गाते थे, गजल गाते थे, कव्वाली गाते थे। मैंने अपने जब बिरहा डाउन किया तो मैंने 4 साल लगातार कव्वाली का प्रोग्राम किया, हर जगह कव्वाली भी गाना शुरू कर दिया। हमारे साथ तमाम कलाकार थे, बेंजू मास्टर थे, हारमोनियम तो मैं खुद प्रैक्टिसनर था, मैं बजा रहा था, गा रहा था, हारमोनियम भी बजाते थे, कव्वाली भी गाते थे। तो आप संगीत कहीं सीखे हैं कि? संगीत कैसे? ये माँ सरस्वती की देन है। संगीत सीखने का मतलब कि विद्यालय, जिस विद्यालय में मैं बड़ा गांव प्राइमरी पाठशाला में पढ़ता था वही विद्यालय हमको सिखाने का काम किया। लोग बाहर से आकर के हारमोनियम बजाते थे, हमको गवाने का काम किया। मैंने वही जो हमारी धारणा बदली और मैं कक्षा 5 में पढ़ता था उसी समय हारमोनियम बजाने का हमारे अंदर शुरू हो गया, मैं हारमोनियम बजाने लगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे इस शो को पूरा देखा। और दोस्तों, हमारे इस शो का लक्ष्य है कि आपके हुनर को पूरे वर्ल्ड में पहुंचाना। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस शो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को ये हमारा शो कैसा लगा। धन्यवाद।